सुबह की अकाल क्या कल पाए जम्मू कश्मीर में कर रहा है। आज मैं अपने उन युवा साथियों से, उनके अभिभावकों से भी मिला। कुछ के विचार आपने भी सुने, मैंने भी सुने। मैं मानता हूँ कि एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसमें बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। ये सच है कि संख्या कम है, लेकिन हम सब मिलकर के इसके व्याप को, मैंने संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज 100 की संख्या है, कल 1000 होगी, और हम लक्ष्य रखते हैं कि 2 वर्ष के अंदर 5000 ऐसे बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे ताकि उनका भविष्य बन सके। मुझे लगता है कि दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, आपका कोई सवाल होगा तो जरूर मैं जवाब दूंगा। आज केवल सही रास्ते, और आप भी सही रास्ते पर रहें, ये आपसे जरूर उम्मीद करें। स्ट्रेटजी प्रेस और मीडिया में नहीं डिस्कस होती है, स्ट्रेटजी है। और जब भी कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है तो एक संदेश देने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी लोग चौकन्ने हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल हम लोग ठीक से करेंगे। लगता है कि किसी भी धर्म की श्राइन हो वो ठीक रहे, ये आवश्यक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। भी आपने देखा पिछले दिनों लंबे समय से जो चर्च क्षतिग्रस्त हो गई थी, श्रीनगर में बन करके तैयार, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिदों का भी पुनरुद्धार करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाम को भी इस पर खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारी आस्था है मंदिर में तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। हर काम सरकार करिए उचित नहीं है, मस्जिद हमारी भी है, हमको भी उसमें देना चाहिए। प्रशासन ने जो समितियां बनाई हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, वो अपना काम करेगा। मैं आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी इस काम में आ गया। सर, वैंडलाइजेशन जम्मू में हुआ या पिछली बार साउथ कश्मीर में हुआ, उन इंसिडेंट्स को जेएनके गवर्नमेंट कैसे देखती है? ये सब इतिहास की बातें हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो फिर से एक गलत संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन मुस्तैदी से इन बातों को देखता है और कार्रवाई करता है।